विपक्षी एकता का तो बिल्कुल रास्ता साफ हो चुका है, बिल्कुल करीब आ चुके हैं सब लोग, और बहुत जल्द ही पूरी टीम दिखने को मिलेगी और 2024 की रणनीति पूरी तरह से बन चुकी है। अब उसका सिर्फ धरातल पर उतारना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार आज पटना सिटी एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि 2024 की क्या तैयारियां हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 की लड़ाई के लिए देश के जितने भी तमाम सभी विपक्ष पार्टियाँ हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है, और जब सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो भाजपा का देश से सफाया हो जाएगा। हालांकि पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि इसका चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी विपक्ष पार्टियों को एक साथ कर चेहरा तय कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह से उड़ीसा मुख्यमंत्री पटनायक के साथ मिलने के लिए गए थे और पटनायक का जिस तरह से जवाब आया है, उस तरह से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आप बंगाल को ले लीजिए, आप झारखंड को ले लीजिए या फिर महाराष्ट्र को ले लीजिए, उनकी बात कीजिए, वहाँ की सब जितनी भी तमाम विपक्षी पार्टियाँ हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हैं। हालांकि मंत्री श्रवण कुमार ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, छोड़े जा रहे हैं हम उनके वाइट के साथ। रजनीश यादव, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी। नर्सिंग दिवस है और नर्सिंग दिवस के अवसर पर अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को शुभकामना देने के लिए आया था कि आपका काम बेहतर है, आपका काम अच्छा है, आपका काम सराहनीय है और बढ़ चढ़ करके आप समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों की खिदमत करें, सेवा करें, आपका भविष्य उज्जवल है, आपको आपके इस कदम की हम सब लोग सराहना करते हैं। वर्तमान में जो देश के भी राजनीति इस तरह के महागठबंधन में देखे हमने काम हो रहा है, तो क्या लग रहा है सर, विपक्षी एकता संभव पाएगी सर? तो विपक्षी एकता का तो बिल्कुल रास्ता साफ हो चुका है, बिल्कुल करीब आ चुके हैं सब लोग, और बहुत जल्द ही पूरी टीम दिखने को मिलेगी और 2024 की रणनीति पूरी तरह से बन चुकी है। अब उसका सिर्फ धरातल पर उतारना बाकी है, धरातल पर उतरेगा भाजपा सफाया हो जाएगा। उम्मीदवार तो तब तय हो जाएगा, अब सब कुछ तय हो जाएगा जब समय आएगा, तो कैंडिडेट भी तय हो जाएंगे, कहां से कौन लड़ेंगे, किस पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे, सब तय हो जाएगा, सब समय पर सब काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने उड़ीसा दौरा किया था, तो आज जो बयान आया है वहाँ पर मुख्यमंत्री का, वो साफ दिख रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो अलग सी बात है, लेकिन और जगहों पर मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, महाराष्ट्र की खबर को भी तो चलाइए, महाराष्ट्र में शरद पवार जी हैं, ठाकरे जी हैं, वो सब लोगों ने तो समर्थन किया है, सब राज्यों का, झारखंड का समर्थन मिला, बंगाल का समर्थन मिला, उत्तर प्रदेश का समर्थन मिला, सभी राज्यों के समर्थन मिल रहे हैं और व्यापक समर्थन मिल रहे हैं और सब लोग मिलजुल के लड़ेंगे चुनाव।